हेलो बच्चों, कैसे हो? जय माता दी। आज की क्लास में कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स इन मिड एयर के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को लर्न करने जा रहे हो। रिगार्डिंग क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, उसके हिसाब से एक ड्रोन जो है जब एलओसी को पार कर रहा है, ए ड्रोन विच इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड at a height of 2 km, at the moment of crossing LOC, it release a bomb targeting the base camp B. At the same instant, active cannon gun below at C fires a shell with initial velocity 40 root 2 meter per second at angle 45 degree with the horizontal. If shell destroys this bomb in midair, find the separation of C from LOC. सो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट रिमेम्बर रखना जरूरी है। सिंस वन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एट हाइट h, जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 किलोमीटर, अनदर प्रोजेक्टाइल हैज बीन फायर्ड फ्रॉम पॉइंट c एट एंगल 45 डिग्री विद वेलोसिटी v इक्वल टू 40 root 2 meter per second। और यदि क्वेश्चंस में ये इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जो फायर किए गए सेल हैं इस बम को मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो इसका मतलब हमें रिमेम्बर ये रखना है कि रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। इसके कंसेप्ट क्या हैं? रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर इज अ स्ट्रेट लाइन। इसके पीछे कंसेप्ट यह होता है कि प्रोजेक्टेड दोनों प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो यदि हम उन दोनों प्रोजेक्टाइल का टी सेकेंड आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी को लिखें, सपोज टी सेकेंड आफ्टर वन ऑफ द प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, v1 का वैल्यू इन जनरल फॉर्म है, तुम क्या लिखोगे? u1 का x कंपोनेंट प्लस u1 का y कंपोनेंट प्लस माइनस g इंटू टी। दूसरे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी लिखोगे t सेकेंड आफ्टर, तो u2x प्लस u2y और फिर ये वैल्यू क्या आएंगे? माइनस जी इंटू टी। यदि इन दोनों को माइनस करोगे तो ये टर्म कैंसल हो जाएंगे और v1 और v2 का जो वैल्यूज आ रहे हैं, v2 माइनस v1, उसकी वैल्यू क्या रही है? v2 माइनस v1 इक्वल टू u21x प्लस u21y। एंड इसमें टाइम वाला कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है v21 का वो v21y डिवाइडेड बाई v21x का जो एंगल होगा उस एंगल की ओर डायरेक्टेड होगा। सो ये कंसेप्ट तुम्हें ये बताता है कि पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और इसी कंसेप्ट को लेकर हम यहां पर कॉलिजन के कंडीशन को डिफाइन करते हैं। यदि हम ए को रेस्ट मान लें और सी से फायर किए गए कैनन को देखें, यानी सेल को देखें, यदि ये कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब यह स्ट्रेट लाइन पाथ पर डायरेक्टेड होगा और ये ए से पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे वी सी ए का यदि डायरेक्शन लिखेंगे तो वो आएगा वी सी ए का बाई कंपोनेंट और वी सी ए का एक्स कंपोनेंट। वी सी ए का बाई कंपोनेंट आएगा तुम्हारा 40j और ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40, इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू 20, 40 ऑफ माइनस 20 ये वैल्यू आ जाएंगे 60। यानी वी सी ए का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वी सी ए को यदि हम टैन थीटा से लिखें तो ये हमें टैन थीटा का वैल्यू ये आ रहा है और इसकी वैल्यू एलिवेशन के टर्म में, क्योंकि ये हाइट एच है और उसके बीच का ये सेपरेशन डी है, तो ये एंगल जो बनेगा हमारा हाइट और सेपरेशन के रिस्पेक्टिवली, मान लो उस एंगल को अल्फा ले, तो जो वेलोसिटी है वो इसी लाइन की ओर डायरेक्टेड हो। मतलब बेसिक कंसेप्ट ये बताएं, जैसे ये सी है और ये पॉइंट ए है,
तो एसी लाइन जो हमारा एंगल बना रहा है, वेलोसिटी भी हमारा हॉरिजेंटल के साथ वही एंगल बनाना चाहिए, तब जाकर वो कॉलिजन के कंडीशन को फुलफिल्ड करेगा। तो एच का वैल्यू दिया हुआ 2 किलोमीटर, डी हमसे पूछ रहा है सेपरेशन डिस्टेंस, ये वैल्यू क्या है 4/6, यानी ये वैल्यू 2/3, तो डी का जो वैल्यू आएगा वो 3 किलोमीटर आएगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।